व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे बापू ने पेल दिया, अक्षर पटेल इंग्लैंड आउट, इंडियन वर्ल्ड कप, मस्त मजेदार मीम्स होंगे, पाहुल वाली भाई की वीडियो है। ओहो भाई, जो सुकून मिला है ना कल का मैच देख के, बता नहीं सकता। करते एंजॉय, 1 2 3 गो। क्यों इंग्लैंड वालों, क्या सोचा था ये वाला बापू भी नॉन वायलेंट होगा? बापू थारी बोलिंग कमाल छे, नहीं नहीं एक सेकंड, बापू थारी बोलिंग बैटिंग फील्डिंग कैचिंग सब कमाल छे, ना कोई टैटूज, ना कोई कंट्रोवर्सीज, ना किसी से कोई पंगा और ना कोई टॉक्सिक फैन बेस, बस प्योर टैलेंट, अंडररेटेड और एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, ये है द रियल बापू अक्षर पटेल की डेफिनेशन। 4 ओवर 23 रन और 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स, वो भी बटलर, मोइन अली और बेयरस्टो की। बापू द रियल गेम चेंजर इन दिस मैच। बचपन में सुना था कि बापू ने अक्सर अंग्रेजों की बहुत मारी, आज देख भी लिया, बापू 2 ब्रिटिशर्स 0। करेंसी चेंज भाई, करेंसी चेंज, अब तो इस बापू की फोटो लगने वाली है हमारे नोटों पे। ये वाला बापू भी इंग्लैंड की सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक निकले, और आज इसी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से हमने सेमीफाइनल भी कॉन्कर कर लिया। जीत गए भाई, जीत गए, सेमीफाइनल भी जीत गए, फिर से एक और वर्ल्ड कप और फिर से एक और फाइनल। शुरू तो सबने ऐसे किया था कि भाई इस बार मैं वर्ल्ड कप नहीं देखने वाला, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैंने तो क्रिकेट ही देखना छोड़ दिया है, लेकिन ना ना करते करते अपनी टीम एक और बार फाइनल में पहुंच चुकी है और हम फिर से उम्मीदें लगा चुके हैं। बट ठीक है, बर्बादी की हद तक सपोर्ट तो करना ही है, तो इस बार भी करेंगे ही। सुनील अमर के बाद कभी क्रिकेट नहीं देखूंगा बोलकर इंडिया में पाकिस्तान को हाइप करते हुए पकड़ा गया, तो ये भी ठीक है। द रीजन फॉर पिकिंग 4 स्पिनर्स इज समथिंग आई वोंट रिवील नाउ, बट आई डेफिनेटली वॉन्टेड 4 स्पिनर्स। सॉरी रोहित भाई, सॉरी, हमने आपकी टीम सिलेक्शन पे डाउट किया, आई वॉजंट फेमिलियर विद योर गेम, इसीलिए चाहिए थे भाई इतने सारे स्पिनर्स। रोहित द बैटर तो फोड़ ही रहा है, लेकिन रोहित द कैप्टन की प्लानिंग भी महीनों से चल रही थी। तुम ये स्टैट देखो यार, रोहित शर्मा हैज 845 रन विद एन एवरेज ऑफ 49.7 और स्ट्राइक रेट 133 का पिछले 18 इनिंग्स में, और ये स्ट्राइक रेट, ये एवरेज ODI और T20 दोनों को मिला के है, मतलब ODI T20 मिला के भी 133 का स्ट्राइक रेट कैसे बन रहा है इस बंदे का? पिछले 4 ICC नॉकआउट मैचेस से रोहित शर्मा हैज बीन एक्सेप्शनल। ODI वर्ल्ड कप वालों में चाहे उतनी कन्वर्जन नहीं रही हो, लेकिन इस वर्ल्ड कप में थोड़ी बहुत कन्वर्जन दिखी है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अगेंस्ट बैक टू बैक 50s आई है, एंड आई थिंक जितना बड़ा हाथ अक्षर या कुलदीप का था इस मैच को जिताने में, उतना ही बड़ा रोल प्ले किया था रोहित शर्मा की इनिंग्स ने। इंग्लैंड के बैट्समैन को स्ट्रगल करता देख के लग रहा था कि रोहित शर्मा कैसे खेल गया इतनी आसानी से यहाँ पे। आई थिंक यही फॉर्म था रोहित शर्मा के, जिसके लिए हम सब पेशेंटली वेट कर रहे थे, चाहे बंदा IPL में ना चले, चाहे बायलैटरल्स में अच्छा ना परफॉर्म करे, लेकिन ऐसे मैचेस में अगर खेल गया तो सब बोर्ड सेट हो जाता है। प्लस ऑलरेडी बंदा रिवेंज मोड में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया से बदला ले लिया, इंग्लैंड को भी उनकी औकात दिखा दी। Tears at Adelaide to proud captain at Guyana. This is the redemption of captain Rohit Sharma. Truly भाई। चलो एक बारी को 2023 का वर्ल्ड कप हटा दो, लेकिन 2022 से लेके अभी तक की जर्नी भी आसान नहीं रही है। एक एक आंसू की ड्रॉप का बदला लिया गया इस मैच में। इसी के साथ इस मैच की एक और फोटो भी वायरल हो रही थी, जहां रोहित भाई थोड़े इमोशनल लग रहे हैं और विराट कोहली आके उनको कंसोल कर रहे हैं। यार आई लिव फॉर दीज मोमेंट्स, ऐसे ही मोमेंट्स तो दिन बना देते हैं। सोच के देखो कितनी बड़ी अचीवमेंट की बात है कि लास्ट 2 ICC टूर्नामेंट्स में हम रोहित शर्मा के अंडर सिर्फ 1 मैच हारे हैं, उस मैच की बात नहीं करते, लेकिन स्टिल बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। कैसे हम दोनों वर्ल्ड कप्स में हंसते खेलते इतना आगे आगे पता ही नहीं चलता। बस एटलीस्ट इस बार रिजल्ट डिफरेंट होना चाहिए। देखो वैसे भी हम चुन चुन के बदला तो ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को बाहर करवा दिया, इंग्लैंड से सेमीफाइनल टू सेमीफाइनल का बदला ले लिया, बस अब ये सोच रहा है कि साउथ अफ्रीका से हमें किस बात का बदला लेना है। उन बेचारों की हालत खुद से इतनी खराब रहती है, बट सोचना पड़ेगा कुछ तो उन्होंने हमारे अगेंस्ट भी किया ही होगा। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका इन द फाइनल, और इसके बारे में आगे अच्छे से बात करेंगे वीडियो में, पहले थोड़ा सा इस मैच को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इंग्लैंड वालों, वो पैकिंग वैकिंग सब सही चल रही है ना? एक्स्ट्रा बैगेज के लिए बोल दूं क्या? नहीं, वो तुम्हें इतनी सारी डिसअपॉइंटमेंट और हार्टब्रेक भी तो साथ ले जाना है बेटे। अब पता लगा सेमीफाइनल में हार के कैसा लगता है। डिफेंडिंग चैंपियंस भाई, 100 रन नहीं बन पा रहे थे बेचारों से, वो भी सेमीफाइनल में। बहुत बुरा हुआ यार, वक्त बदलते देर नहीं लगती, कहां कभी 170 चेज कर जाते थे 10 विकेटों के साथ, और अब 100 रन नहीं बन पा रहे थे, बताओ। चलिए होता है, आप लोग रोना बंद कीजिए, फोन ऑन कीजिए और ब्लेम करना शुरू कर दीजिए। अभी तो वेदर, पिच, फैंस, धूप, बारिश, सिद्धू पाजी, सबको ब्लेम करना बाकी है। कहाँ गई यार तुम्हारी बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप? इस बार नहीं दिखाई दी है बटलर और सॉल्ट? भाई मैं बताता हूँ, बटलर होगा अपने घर पे और सॉल्ट मेरे डिनर में। हम इनसे एम ही डर रहे थे, ये ओमान, नामीबिया, वेस्ट इंडीज और USA जैसी टीमों को हरा के तो सेमीफाइनल पहुंचे। जहां इनका मैच ऑस्ट्रेलिया से था वहां हार गए, जहां इनका मैच साउथ अफ्रीका से था वहां भी हार गए, और इंडिया से भी अब हार गए। हम एम ही डर रहे थे, बारिश बारिश के लिए बोल रहे थे, बेस्ट तो इनके लिए था कि बारिश हो ही जाती, कम से कम ऐसी बेइज्जती से तो बच जाते, और शायद इसी भ्रम में वापस लंदन की फ्लाइट पकड़ लेते कि अगर हम खेलते तो इनको हरा ही देते।
बट अच्छा हुआ बारिश नहीं हुई, हमने इनको इनकी औकात दिखाई और अब उसी कॉन्फिडेंस के साथ फाइनल में भी जाएंगे। इंग्लैंड को हरा के तो वैसे ही अंदर से सुकून मिलता है, इनको 3 गुना लगान वसूलनी है। एकदम बैस बॉल वाली टेस्ट सीरीज की याद दिला दी। अरे वहाँ हम 5 मैच के टेस्ट मैच 2-2 दिन में खत्म कर दे रहे थे, ये तो फिर भी एक्स्ट्रा टाइम के साथ T20 था, 16 ओवरों में निपटा दिया आफ्टर T20 वर्ल्ड कप। गौती भाई एक प्लेयर T20 टीम में फिट नहीं बैठ रहा है यार, नहीं यार ये हमारा कोहली नहीं है यार, ये कोई बदल गया एयरपोर्ट पे भाई। अपना विराट कोहली तो सामने से लीड करता था, नए नए रिकॉर्ड बनाता था, अब तो हाल ऐसे हो गए कि इंडिया की बैटिंग देखने के लिए 5 मिनट भी लेट नहीं हो सकते, वरना विराट भाई हमारे साथ ही बैठ के देख रहे होते हैं। अभी तक हमें आदत थी किंग के इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटते देखने की, और यहाँ देखो इस बार सिंगल डिजिट स्कोर के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। देखो दिल तो चाहता है कि विराट कोहली अब फाइनल में नंबर 3 पे आ जाए और अपनी बेस्ट इनिंग्स खेल दे, लेकिन फिर दिमाग यही कहने लग जाता है कि यार जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, ऐवें ही एक प्लेयर को फॉर्म में लाने के चक्कर में पूरा बैटिंग लाइनअप फिर से हिल जाएगा और कहीं दिक्कत ना आ जाए। लेकिन अस विराट भाई अस नई चीजें ट्राई करने के चक्कर में मेरे भी एल लगते हैं। 8 रन आ गए थे ओवर में, क्या जरूरत थी ब्लाइंड स्लॉगर वाली इनिंग्स खेलने की, नहीं खेलते आप वैसे, 1 6 मार दिया, 2 रन ले लिया, उसके बाद सिंगल ले सकते हो, डॉट ले सकते हो, इंटेंट दिखानी है तो दिख रही है ना यार, बल्ला थोड़ी घुमा देने कुछ भी करके। IPL से निकले थे, RCB वाला फॉर्म कैरी करने को बोला था, आप तो RCB की किस्मत लेके चल रहे हो, आज आप भी मत बैठना अनुष्का भाभी। और देखो बहुत लोग यही सोच रहे होंगे कि नंबर 3 पर विराट कोहली को फाइनल के लिए ले ही आते हैं, लेकिन कल मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी इसी बारे में बात की थी कि देखो बंदे का फॉर्म खराब है, फाइनल में भी कोई क्रेजी नॉक की उम्मीद मत लगाना, नहीं भी आती अच्छी इनिंग्स तो कोई बात नहीं चल जाएगा। 2014, 2016, 2022 इतने वर्ल्ड कप्स में इस बंदे ने जितना हमारे लिए किया है, आई थिंक एक वर्ल्ड कप में इतना खराब खेलना तो साइड कर सकते हैं। मुझे बस इस बात की खुशी है दैट अपनी टीम हैज गॉन फ्रॉम डिपेंडेंट ऑन विराट टू इंडिपेंडेंट ऑफ विराट। अब अपनी टीम के मल्टीपल प्लेयर्स स्टेप अप कर रहे हैं और थ्रू आउट अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कि पहले नहीं होता था, और हम इंपॉर्टेंट मैचेस एक के भरोसे निकाल देते थे। मैं कहता हूं विराट भाई अब 1-2 दिन के लिए हेल्दी शेल्दी छोड़ो और ये ट्राई करो। रोहित भाई ने वैसे भी कहा है दैट ही इज सेविंग हिज बेस्ट फॉर द फाइनल, तो देखते हैं, पर अगेन मैं कहूंगा कि एकदम इतनी उम्मीदें मत लगा लेना, इंपॉर्टेंट ये है कि टीम जीतनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले तो मैं बता दूं कल भी मैंने मैच में लाइव स्ट्रीम करी थी, तो तुम लोग भी ज्वाइन कर सकते, तो जब इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं मैं अनाउंस कर देता हूं, इसलिए बेल नोटिफिकेशन दबा दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। एंड सब्सक्राइबर्स की बात करें तो भाई 700 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीटेड कल लाइव हुए थे तुम लोग के सामने, बहुत ज्यादा मजा आया था, 7 लाख हो चुके हैं, ताला फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट, बस इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और गोल्डन प्ले बटन लाएंगे अब सीधा। बाकी तुम लोग सपोर्ट करते रहो, मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं और टाइम पे बनाता रहूं। ठोक मार रहे हो हंसना भाई। अक्षर पटेल फॉर इंडियन क्रिकेट टीम सिंस 2023, अचीव्ड हाईएस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट 150 थी, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर 19, 13 बेस्ट इकोनॉमी रेट 6.63 का, थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर 222 रन, ओनली 5 रन बिहाइंड पांड्या, थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर भाई, सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ कैचेस 6, बैटर बॉलर फील्डर सब में अच्छा करा है भाई इस बंदे ने, उसके बावजूद भी हम लोग जड्डू या अश्विन को प्रेफर करते हैं इससे ऊपर। बैट्समैन के रूप में ओपनर थे और बॉलर भी ओपनर, हम लेग स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर भी थे, विकेट कीपर भी थे और फील्डर कहीं भी रोक दो वो भी करते हैं। भाई ये बंदा बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों जगह परफॉर्म कर रहा है, फिर कैसे टीम में इतना अंडररेटेड है। आई थिंक यही चीजें है जहां पे अपनी टीम पीछे रह जाती है, जो सही में डिजर्विंग होता है ना उसको चांस मिलता नहीं, और एक आध प्लेयर जिसने कभी एक आध मैच जिताया होता है किसी और टीम को, वो थोड़ी उम्मीद दे देता है और हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। जिससे याद आया शिवम दुबे भाई, अपनी वो फिनिशिंग की हाइलाइट्स भेजना, वो रिंकू सिंह मांग रहा था बड़े टाइम से। असली में देखा जाए तो ये मैच हमें मुंबई इंडियंस की बैटिंग और दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग ने जिताया, मतलब मुंबई से हार्दिक रोहित और सूर्या ने बैटिंग संभाल ली और दिल्ली से अपने स्पिनर्स अक्षर और कुलदीप ने गेम ही खत्म कर दी। ये सब सही था, बस वो CSK वाले फिर से चूना लगा गए और इन सब चक्रों में बेचारी पूरी राजस्थान की टीम तो बाहर ही बैठी रह गई। भाई वैसे कितना क्रेजी है कि हमारी टीम से 12 प्लेयर्स खेल चुके हैं अभी तक, 3 ही बाहर बैठे और तीनों राजस्थान के हैं। संजू सैमसन अपनी किस्मत बाकी के RR प्लेयर्स में भी ट्रांसफर कर चुके हैं, अब तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप में ही चांस मिलेगा। बट ठीक है, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जड्डू इस मैच में फिर भी डिसेंट था फिनिशिंग के टाइम पे, बॉलिंग में नहीं बोलूंगा लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छी थी, 17 of 9 था, कुछ अच्छी शॉट्स लगाई एंड में तो थोड़ा बहुत डिसेंट एक फिनिशिंग दे गई हमें। मतलब देखो ये सेमीफाइनल था यार, इसी के लिए जड्डू जाना जाता है एंड दिस इज द टाइम व्हेन वी नीड हिम द मोस्ट, और अगले मैच में भी बैट से इस बंदे की जरूरत पड़ सकती है, तो जड्डू भाई करना है काम, संभाल लेना, ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचा। बुमराह ने तो बस इसीलिए सॉल्ट की विकेट ली थी ताकि मैं टेलीग्राम पे उस वीडियो को डाल के उसका प्रमोशन कर पाऊँ, तो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्या पीच डिलीवरी थी उसका, मेरा लाइव पे भी रिएक्शन देखने लायक था। हार्दिक की फिनिशिंग अगेन बहुत अच्छी थी, लेकिन
माफी मांगने का टाइम फिर से आ चुका है बिकॉज सूर्या भाई क्या हो रहा है सूर्या भाई कितनी बार ये सारी उम्र में जोकर जा करते रहोगे मेरे साथ 47 और 36 इन अ सेमीफाइनल सूर्य कुमार यादव इज नॉट अ मिनो बैशर एनीमोर मान गए भाई मान गए डिलीट अभी सारे वो मिनो बैशर वाले जोक्स डिलीट ये वो सूर्या नहीं है जो बड़ी टीमों के अगेंस्ट लिबर लिबर करते थे इनके लिए फुल इज्जत है अपनी और टेंशन मत लो खुद अपॉलॉजी डीएम कर दूंगा इंस्टाग्राम पे सूर्या को बाकी वो सारी उम्र में जोकर वाला एडिट बना दो फिर से क्या कर सकते हैं ऋषभ भाई आपसे एक ही उम्मीद है हाथ जुड़वा लो पर क्या अच्छा खेल लो इंटरव्यू में तो बोलते हो मैं वर्ल्ड कप में होता तो ये कर देता यहाँ होता तो वो कर देता भाई सेमीफाइनल में क्या परफॉर्मेंस थी लिटरली ऋषभ पंत की बैटिंग आजकल देख के ऐसा लगता है कि वो एग्जाम का 5 मार्क का क्वेश्चन जिसका आंसर एक लाइन में निपटा दिया हो अगर कोई कैच ड्रॉप नहीं तो अच्छी इनिंग्स भी नहीं आ रही और फिर इन दी एंड आते हमारे 3D प्लेयर शिवम दुबे सोचा था इस मैच में सिद्धू पाजी की कमेंट्री से बुरा और क्या ही हो सकता है फिर शिवम दुबे की बैटिंग देख ली यार अब तो सही में जोक्स बनाने का भी मन नहीं कर रहा टीम इतना अच्छा खेल रही है दुबे भाई क्यों मूड खराब कर रहे हो मैं बता रहा हूँ सारी प्रॉब्लम इस बात की है कि रिंकू सिंह बाहर बैठा हुआ है अगर रिंकू सिंह नहीं होता कोई और प्लेयर तो हम शायद दुबे को इतना ब्लेम करते भी ना बट फिर वही वाली बात है कि ऑल्टो को हाईवे पे उतार दिया लेकिन फरारी तो गैराज में ही खड़ी है जैसे गधे की पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती वैसे ही तुम्हारे कंधों पर जितने रन झाटू दुबे ने पूरे टूर्नामेंट में बनाए हैं उतने में एक इनिंग्स में बना देता रोहित भाई ये बैट ले रिंकू और दुबे को पेल दे आज आज रिंकू भाई आज बस एक चीज अच्छी है कि इस मैच में ज्यादा बॉले वेस्ट नहीं करी अच्छा किया कि लेट ही आए बैटिंग करने मैं तो कह रहा हूँ फाइनल में और भी लेट आओ हर्षदीप बुमराह कुलदीप सबके बाद आना कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता फाइनल टीम में भी कोई चेंजेस होने चाहिए जो 11 खेल रहे हैं वही 11 खेलने दो तो फाइनल साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी मेरी प्लेइंग 11 तो देखो यही होने वाली है वैसे ऑफ टॉपिक लेकिन अफगानिस्तान को क्या हो गया यार मैं सुबह सुबह उठा यार 8-9 बजे के अराउंड कि यार देखते यार अफगानिस्तान अच्छा खेल रही होगी कंपटीशन दे रही होगी हाईलाइट शुरू हो गई थी मैच की भाई 56 पे ऑल आउट हो गई टीम इंडिविजुअल स्कोर में सबसे ज्यादा स्कोर तो एक्स्ट्रास का था बट ठीक है यार रिस्पेक्ट अर्न करिए यहाँ तक आना डिजर्व करते थे और आगे के टूर्नामेंट्स में और अच्छा खेलेंगे क्या पता अगले 1-2 साल में एक बड़ी ट्रॉफी भी ले आए लिटरली ओनली अदर एशियन टीम इंडिया के अलावा जिसके लिए जेन्युइनली दिल से प्यार निकलता है अफगानिस्तान आरसीबी का आशीर्वाद लेते हैं भाई फिर भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ा लेकिन देखो रिस्पेक्ट है 7 रन से छोड़ दिया बेचारी वहां ऑस्ट्रेलिया सोच रही होगी कि यार अगर ऐसा ही परफॉर्म करना तो फिर तो हमें ही आने देते बट अब टाइम है जनरेशनल चोकर्स वर्सेस चोकर्स ऑफ द डेकेड का एक वो टीम जिसने 11 साल से आईसीसी ट्रॉफी की शक्ल नहीं देखी और एक वो टीम जिसको पता ही नहीं कि आईसीसी ट्रॉफी होती क्या है बेचारे फाइनल्स में ही पहली बार आ रहे हैं दोनों इतने टाइम से चोक करते आ रहे हैं बस देखना ही है कि फाइनल में कौन चोक करता है कौन सबसे ज्यादा चोक करता है पर भाई याद रखना कुछ टाइम पहले एक महान स्क्रिप्ट राइटर ने बोला था कि इंडिया का झंडा गड़ने वाला है बारबाडोस में अभी तक उस हिसाब से सब कुछ सही जा रहा है तो होप करते हैं आगे भी सब वैसा ही रहे बाकी अपनी तरफ से तुम देख सकते हो हमने पनौती लगाना शुरू कर दिया है मिलते हैं अगली वीडियो में 2 दिन बाद जिसमें हम या तो बहुत ज्यादा ही खुश होने वाले हैं या फिर मेंटल हेल्थ के एल लगने वाले हैं बस भाई बस खड़ा हूँ आज भी वही वाले एडिट्स और नहीं देख पाऊंगा एंड हाँ बस ये याद रखना कि रिजल्ट चाहे जो भी हो वी आर स्टिल प्राउड ऑफ आवर बॉयज इंस्टाग्राम पे आके @ पाहुल वाले पे फॉलो कर लेना लाइव स्ट्रीम वो बढ़िया लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर ये चीज अच्छी लगी थी जैसे बहुत कुछ इक्का दुक्का तो देखो हर जगह होता है लेकिन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया बहुत था टीम को बनता भी है मतलब फाइनल के बाद भी एक दिन खराब हो गया चलो ट्रॉफी नहीं आई उस दिन ना रोहित शर्मा से उसने बोला था कि जैसे मैं मतलब कहीं वेकेशन उस पे गया था कहीं आउट उस पे तो उसने बोला कि वहां पे सब लोग ये कोशिश कर रहे थे कि इसके सामने ये वाली बातें ना करें और थोड़ा मूड वो करने के लिए कि लेकिन बैक ऑफ माइंड मेरे वो चलता ही रहता था भाई वो कि उसका ड्रीम था उसने बोला था याद है ड्रीम होना नहीं उसने ऐसे और... सर मुझे कुछ नहीं अपना पर रिकॉर्ड कुछ नहीं मुझे वो क्या बोला था चार पिलर और उसके ऊपर वो ऐसे बॉल जो क्या होता है कि जब आप इस लेवल पर पहुंच चुके जब रोहित शर्मा वाली जगह पर तो पैसा आपने दौलत शोहरत फेम सब देख लिया तो आपको एक ड्रीम होता है कि भाई ये करना मुझे होता है कि मेरी जिंदगी में ये हासिल करना है वो वाली बात है और वो होपफुली हो जाए यार कलम जीते भी और मजा भी आ जाए और ये नहीं कहेंगे कि मतलब इंडिया उस दिन अच्छा नहीं खेली या बुरा खेल इंडिया उस दिन भी अच्छा ही रही थी 19 नवंबर को बस वो दिन अपने फेवर में नहीं गया हमसे अच्छा वो बुरा आता ना कि खेल हम भी रहे थे लेकिन हमसे अच्छा कोई और खेल रहे उस दिन वही वाली बात है और अपने टीम अच्छा खेल रही है भाई रिस्पेक्ट है हर एक प्लेयर के लिए यहाँ पर हम ये कहेंगे कि कोहली अच्छा नहीं खेल रहा दुबे अच्छा नहीं हम कहेंगे कि यहाँ पर भाई टाइम वो टाइम भी है कि जिस मैच में दुबे ने जिता के दिया है सूर्य कुमार के साथ जहां मैच फंस गया था तो भाई सबने अच्छा करा और कोहली को आप सिर्फ ये नहीं कहते बैटिंग भाई वो फील्डिंग में जान झोंक देता है वो दिमाग लगाता रहता है रोहित शर्मा के साथ डिस्कस करता रहता है ऑन स्क्रीन
ऑन फील्ड प्रेजेंस जो कोहली की होती है वो भी हमेशा टीम को एक बूस्टअप करके रखती है, तो बहुत चीजें होती हैं। होपफुली बस फॉर्म भी वो फॉर्म तो है ही, मैं कहने का मतलब है कि रन भी आ जाए बैट से फाइनल में, तो और चार चांस लग जाएंगे। बाकी भैया ये ट्रॉफी आ जाएगा, घर मजा आ जाएगा। मिलते हैं आपसे कबड्डी के साथ, बाय बाय, टेक केयर।